लोकसभा चुनाव को लेकर आठवले बोले, आरपीआई पार्टी मेरा ग्रुप हर गांव, तहसील और जिले में काम करती है और दो सीटें मिले ऐसी कोशिश रहेंगी। अगर दो सीट चुनकर आती है तो महाराष्ट्र में हमें मान्यता मिल सकती है, साथ ही महायुति में अब बाकी कोई पार्टी नहीं लेना चाहिए। साथ ही आठवले बोले कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि बीजेपी ने पार्टी तोड़ी है और बीजेपी ने सरकार गिराई है, ऐसी बातों में कुछ भी तथ्य नहीं है। राउत अगर लड़ना चाहते तो लड़े, हर एक आदमी को लड़ने का अधिकार है। और लेकिन अगर संजय राउत अगर मुंबई से लड़ना चाहते हैं, हम भी मतलब दिल्ली के तख्त का पहाड़ चढ़ना चाहते हैं। लोकसभा के चुनाव में हमको लगता है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी विदर्भ में है और हर जगह पर रिपब्लिकन पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी में जरूर अलग अलग ग्रुप है, लेकिन मेरा ग्रुप जो है हर तहसील में, गांव में, हर जिले जिले में मेरा ग्रुप काम करता है। और रिपब्लिकन पार्टी अगर दो सीट मिलती है तो रिपब्लिकन पार्टी के दो सीट अगर चुनकर आती है तो आरपीआई के महाराष्ट्र में मान्यता में मिल सकती है। जिस तरह नागालैंड में हमारी पार्टी के दो MLA चुनकर आए और वहाँ हमारी पार्टी को स्टेट की मान्यता में मिली है, तो इसी तरह मेरी कोशिश रहेगी कि भाई आरपीआई को भी दो सीट मिलनी चाहिए। और मेरा कहना यह है कि अभी हमारे महायुति में और किसी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। ये भी बातचीत चल रही है कि भाई कांग्रेस के MLA टूटने वाले है, ये कुछ होने वाले है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है और हमने किसको थोड़ा ना नहीं है। मतलब एकनाथ शिंदे जी, मतलब उद्धव ठाकरे जी को छोड़कर हमारे पास आए हैं, अजीत दादा शरद पवार साहब को छोड़कर हमारे साथ आए हैं, हमने कुछ बोलता थोड़ा नहीं है, वो तो खुद टूटकर हमारे पास आए हैं। तो जो आते हैं उनका स्वागत करने की जिम्मेदारी राजनीति में होती है, इसीलिए बीजेपी ने उनको तोड़ा है, बीजेपी ने सरकार गिराई है, इसी तरह के आरोप में तथ्य नहीं है। वो अपने MLA संभाल नहीं पाए, वो अपने नेता संभाल नहीं पाए, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। माननीय उद्धव ठाकरे जी को मैं बार बार बोल रहा था कि भाई आप हमारे पास आइए, लेकिन उद्धव ठाकरे जी हमारे साथ आए नहीं, वो गए कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ और उनके 40 MLA टूट कर मतलब हमारे साथ आए हैं। उसी तरह अजीत दादा पवार साहब भी, जो अजीत दादा पवार जी है, मैंने शरद पवार साहब को भी बोला था कि आपने NDA में आना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और उसके पहले दो बार शरद पवार साहब ने बीजेपी को समर्थन दिया था। शरद पवार साहब जब पुलोत के मुख्यमंत्री पर बने थे तब हर्षो आडवाणी और उत्तम राव पाटिल दो बीजेपी के जो जब मंत्री थे उनके मंत्रिमंडल में थे, और पवार साहब ने 2014 में बीजेपी को बाहर से समर्थन दिया था। तो इतना मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं, ऐसे वक्त पर पवार साहब ने हमारे साथ आना चाहिए था, लेकिन वो आए नहीं, इसीलिए मतलब अजीत पवार जी ने उनको छोड़कर हमारे साथ आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये उन लोगों की ये गलती है और हमने अजीत दादा को तोड़ा नहीं। हमारे पास 164 की संख्या थी और अभी अजीत दादा आने से 200 के ऊपर हमारे MLA चले गए हैं। तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो अक्टूबर में चुनाव होगा उसमें 200 से ज़्यादा सीट हम जीतेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मैं असं वाटतं की अजित दादा आलेले आहेत आणि अजित दादा यांना डेप्युटी चेअरपद मिळालेलं आहे, पण एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्री राहणार आहेत। माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा पुन्हा सांगितलेलं आहे की त्यांना बदलण्याचा प्रश्न अजिबात येत नाही आहे, एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्री राहतील। आणि मला असं वाटतं की हे तीन मोठे पक्ष आणि RPI आम्ही सगळे आम्ही एकत्रित आहोत, त्यामुळं ठाण्यामध्ये जे काय लोकांचा मृत्यू त्या हॉस्पिटलमध्ये झालेला आहे त्या संबंधामध्ये अजित दादांनी जे स्टेटमेंट केलेलं आहे, तर मला असं वाटतं की एकमेकावर अशा पद्धतीची गुरगुडी करता कामा नये। अजित दादा असतील, एकनाथ शिंदे जे असतील, देवेंद्र फडणवीस जे असतील, या सगळ्यांनी एकमेकाला सांभाळून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे। आपसामध्ये वाद आहे अशी असं दृश्य जे आहे ते लोकांना बघायला मिळू नये आणि सगळ्यांनी एकत्रितपणे राहिलं पाहिजे, आणि म्हणून अशा पद्धतीची स्टेटमेंट करू नयेत असं आपलं मत आहे। नाही, शरद पवार सोबत येतील असं मला वाटत नाही आहे, पण शरद पवार साहेबांनी आलं पाहिजे। म्हणजे आता एवढे सगळे जे आमदार होते त्यांचे 54 आमदार होते, त्यातले जो 43-44 आमदार जे आहेत ते अजित दादासोबत आलेले आहे, त्यामुळं पवार साहेबांनीसुद्धा देशाच्या हितासाठी, देशाचा विकास करण्यासाठी मला असं वाटतं की नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत येणं अत्यंत आवश्यक आहे। आणि अजित दादांची आणि त्यांची जी भेट झालेली आहे त्याच्यामध्ये ते म्हणतात की आमची भेट वैयक्तिक होती, आमची फॅमिली भेट होती,
त्यामुळे त्या भेटीमध्ये काय चर्चा झालेली आहे मला माहीत नाही आहे. पवार साहेबांनी अजून विचार करणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि मी सुद्धा काँग्रेससोबत होतो, राष्ट्रवादीसोबत होतो, मी सुद्धा आता BJP सोबत आलेलो आहे, मी सुद्धा NDA सोबत आलेलो आहे. त्यामुळं राजकारणामध्ये जसे जॉर्ज फर्नांडिस होते, नितीश कुमार होते, शरद यादव होते, असे सोशालिस्ट नेतेही अटलजींच्या सरकारमध्ये होते, ममता बॅनर्जी रेलमंत्री होत्या. त्यामुळं राजकारणामध्ये अशा पद्धतीने झाला आहे, स्वतः मतभेद वैचारिक असू शकतात, परंतु कॉमन मिनिमम अजेंड्यावर सगळ्यांनी एकत्रित आलं पाहिजे. त्याप्रमाणे आम्ही NDAचे लोक एकत्रित आलेलो आहोत आणि पवार साहेबांनी सुद्धा यायला हरकत नाही आहे, त्यांना आमचं निमंत्रण आहे आणि त्यांनी NDAसोबत महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या विकासासाठी आलं पाहिजे. विनाकारण काँग्रेसच्या राहुल गांधीच्या नादाला लागून देशाचं नुकसान करू नये असं आपलं या संबंधातलं मत आहे.